सूबे में पूर्व सैनिकों के 4,588 बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता लटक गई है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड 27 अक्टूबर 2017 के बाद आवेदन करने वालों को करीब 2.25 साल बाद भी इस राशि की अदायगी नहीं कर पाया है। उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा का कहना है कि मामला ध्यान में आया है, केंद्रीय सैनिक बोर्ड से इस समस्या का समाधान होगा। सूबे में पूर्व सैनिकों के 4,588 बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता लटक गई है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से पूर्व सैनिकों के बच्चों को पढ़ाई के लिए हर माह 1,000 रुपए के हिसाब से एक मुश्त साल बाद 12,000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाती है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड 27 अक्टूबर 2017 के बाद आवेदन करने वालों को करीब 2.25 साल बाद भी इस राशि की अदायगी नहीं कर पाया है। इसके बारे में जब उपायुक्त हरिकेश मीणा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मामला ध्यान में आया है, केंद्रीय सैनिक बोर्ड से ही इस समस्या का समाधान होगा। बोर्ड ने वर्ष 2018-19 के 2400 और 2019 और 20 के 2188 बच्चों को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता नहीं दी है। इसके लिए अगर पूर्व सैनिक विभाग से संपर्क कर रहे हैं तो उन्हें फंड की कमी होने का जवाब मिल रहा है। इसके अलावा बेटियों की शादी के लिए मिलने वाली 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी सूबे में 768 लाभार्थियों की लटकी है। इसके तहत 19 मई 2018 के बाद आवेदन करने वालों को ये राशि नहीं मिल पाई है। वर्ष 2018-19 के 438 और वर्ष 2019-20 के अभी तक 330 लाभार्थी वंचित हैं। इसके तहत वर्ष 2018-19 के 79 और 2019-20 के अभी तक 12 लाभार्थी आर्थिक सहायता से वंचित हैं। बता दें कि इसके बारे में कुछ पात्र पूर्व सैनिक व आश्रित जनमंच कार्यक्रम में भी शिकायत कर चुके हैं। ये उसमें डिफरेंट क्लासेज हैं, जैसे कुछ बच्चों की एजुकेशन के रेस्पेक्ट में है, लगभग सब डेफिनेटली हम लोग यहाँ से भेजते हैं, फिर वहाँ से उसका कुछ क्राइटेरिया रहता है, चेकिंग के बाद में कितने लोग एलिजिबल होते हैं, एलिजिबल में से कितने लोगों को मिल जाती है। तो 3-4 कैटेगरी जो हैं उसमें, तो कुछ की 18 तक की आ गई हैं, डेफिनेटली कुछ लोगों की 17 की भी बाकी है, इशू है, बट हम टेकअप कर रहे हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है और आई भी है, ऐसे इसमें थोड़ा सा प्रोसीजरल थिंग है, तो हम टेकअप कर रहे हैं इसको। कार्यक्रम में भक्त चलाए, छोटे से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।